झाबुआ जिले के झकनावदा ग्राम में करीब 300 से 400 मोरों की संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पक्षी मोर होने के बावजूद भी इस ओर शासन प्रशासन और वन विभाग का इनकी सुरक्षा को लेकर कोई ध्यान नहीं है। बड़ी संख्या में मोर होने के कारण यह घूमते फिरते सड़क किनारे आ जाते हैं, जिसके चलते मोरों को जंगली जानवरों का भय बना होता है और कई बार जंगली जानवरों की चपेट में आकर उनका शिकार बन जाते हैं। यदि इस ओर प्रशासन अपना ध्यान आकर्षित करे तो झकनावदा के समीपस्थ की शासकीय भूमि खाली पड़ी है, उस पर मोर अभ्यारण्य केंद्र बन जावे तो राष्ट्रीय पक्षी मोर सुरक्षित तो रहेंगे, साथ ही उनके खाने पीने की पर्याप्त सुविधा भी हो सकेगी। इस विषय को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के सदस्यों ने एक आवेदन के माध्यम से कुछ समय पहले प्रशासनिक स्तर तत्कालीन जिलाधीश आशीष सक्सेना से झकनावदा प्रवास के दौरान मिलकर लिखित में अवगत करवाया गया था। तब सक्सेना ने आश्वासन भी दिया था कि आपकी अच्छी पहल है और राष्ट्रीय पक्षी मोर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी बनता है और हम वन विभाग से और पटवारी से बोलकर जमीन दिलवाते हैं, लेकिन आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस ओर ग्रामीणों की मांग है कि झकनावदा में मोर अभ्यारण्य केंद्र होना भी चाहिए ताकि राष्ट्रीय पक्षी सुरक्षित